पुश करना, पुश कर पुश। नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ छोटे मोटे तौर पर प्लानिंग करके चलते हैं, कल क्या करना है, अगले हफ्ते कौन सा काम निपटाना है, आने वाले संडे किस रिश्तेदार से बात करनी है या मिलने जाना है, नया घर कैसा बनाना है, जब बच्चे होंगे तो उनका नाम क्या रखेंगे। लेकिन जब अपराध की बुरी नजर हमारी जिंदगी पर लग जाए तो हमारी सारी प्लानिंग, हमारे भविष्य के सारे सपने, यहां तक कि हमारी पूरी जिंदगी चकनाचूर हो सकती है। ये लड़की नाक कटा देगी एक दिन हमारी। शाम होने आई है लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आई, पता नहीं कहां आवारा गर्दी कर रही होगी। इतना भी मत कोसी, ये बेटी है हमारी। जानता हूं बेटी है हमारी, लेकिन रंग ढंग देख रहा हूं मैं उसके। बच्चे इस तरीके से घरों में नहीं रहा करते। ये हालत देखिए तुमने उसके कमरे की। ये घड़ी कहां से आई? पता नहीं कहां से आ रही हो तुम, और ये घड़ी कहां से चुराई? पापा मैंने चोरी नहीं की, वो तो आपका बर्थडे आने वाला है ना, इसलिए आपको सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए मैंने खरीदी। और सरप्राइज गिफ्ट खरीदने के लिए पैसे कहां से चुराए? वो तो मैंने अपनी पॉकेट मनी सेव करके खरीदी है। झूठ पे हट, नहीं मैंने नहीं किया कुछ। दो चार दिन खाना नहीं मिलेगा ना, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे क्या कह रहे हैं, प्यार से बात कीजिए, बच्ची है। बच्ची नहीं है वो। पापा, अरे ये पापा नहीं। पापा प्लीज दरवाजा खोलिए, मैंने चोरी नहीं की। पापा प्लीज मेरी बात तो सुनिए, मैंने चोरी नहीं की। अरे मानसी, यहाँ कहाँ जा रही हो? अब नहीं, बस वो मैं ऐसे ही वॉक कर रही थी। ये जगह ठीक नहीं है, थोड़ी देर में रात भी होने वाली है, चलो बैठो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अरे सोच क्या रही हो, चलो बैठो। मैंने निधि के लिए आइसक्रीम ली है, मेल्ट हो जाएगी, उसे अंदर रख देता हूँ फिर तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। ओके अंकल, बट निधि हॉस्टल से आई हुई है। हाँ कल ही तो आई थी, आ जाओ तुम भी अंदर उससे मिल लो। आओ। निधि वहां उस कमरे में। ठीक है मैं उससे मिल के आती हूँ। अंकल निधि तो यहाँ नहीं है। प्रैंक किया मैंने तुम्हारे साथ। प्रैंक? हाँ प्रैंक। आओ खेल खेले। हमारी बेटी मानसी सर ट्यूशन जाती है, शाम तक घर वापस आती है, लेकिन रात हो गई है, अब तो उसका फोन भी बंद आ रहा है। तो कहाँ जा सकती है, कुछ आइडिया है आपको? नहीं सर, आइडिया वाली कोई बात ही नहीं है, मतलब हमेशा की तरह ट्यूशन से घर ही वापस आना चाहिए था। अभी उसके दोस्तों को भी पूछ लिया हमने, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता सर। आप लोग हमें मानसी का मोबाइल नंबर और उसके कोचिंग सेंटर का एड्रेस दीजिए। जी सर। अरे भाई देख के। अंकल इधर पे रेल की पटरी है। क्या चाहिए आपको? इधर पे पॉन्ड है। पॉन्ड? तालाब, बतख तैरती है। यहाँ कोई तालाब वाला नहीं है।
अच्छा बिल्डिंग है, बिल्डिंग बड़ी बड़ी। कौन सा बिल्डिंग? हाँ चलो निकलो इधर से। दुष्ट मरना क्या तुमको? क्या कर रही थी वहाँ पे? छोड़ मुझे अंकल। अंकल दिखता हूँ मैं तुमको? हाँ अरे I'm sorry, देखो प्लीज रो मत। अरे मैं ऐसे ए भाई जाओ ना, मैं काम करो ना बचो। हाँ देखो कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं तुम्हें काम करो, तुम रहती कहाँ? चलो मैं तुमको ड्रॉप करता हूँ, आओ। घर कहाँ है तुम्हारा? सर मैंने मानसी के ट्यूशन टीचर से बात किया तो उन्होंने बताया कि मानसी उस दिन ट्यूशन सेंटर पहुंची ही नहीं थी और ना ही उसके पेरेंट्स ने किसी भी तरह की इंक्वायरी करने की कोशिश की थी। तो फिर मानसी के पेरेंट्स ने हमसे झूठ क्यों बोला? मानसी के नेबर से बात करो, पता करो मानसी का और उसके पेरेंट्स का आपस में रिलेशन कैसा था। ऐसा करो मानसी के कॉल रिकॉर्ड्स अच्छी तरह से चेक करो, हो सकता है मानसी का किसी के साथ अफेयर हो और इसी वजह से मानसी के पेरेंट्स हमसे ये सच छुपा रहे हो। कहाँ है तेरा घर? कब से घुमा रही है? तो ना के रख दिया है? कभी यहाँ कभी वहां, कभी इस गली में कभी उस गली में, इधर इधर बस बस। कहाँ है तेरा घर? कहाँ है वो तेरा घर? है इधर देख के सच बोल रही है? चल ठीक है जा, मैं यहां से देख रहा हूं, घर के अंदर जाना है। यह हमारी बेटी मानसी है, कहीं खो गई है। किसी को अगर इसके बारे में कोई भी जानकारी मिले या कोई इसे कहीं देखे तो। न्यूज नहीं, मुझे देख, तू मार के तुझे बाहर भी नहीं फेंक सकता, यही तेरी दुनिया है। मानसी के माता पिता की सोशल मीडिया अपील के असर से पुलिस डिपार्टमेंट में गहमा गहमी का माहौल पैदा हो गया था और पुलिस को मानसी के पेरेंट्स की मंशा पर भी शक हो रहा था। वहीं एक दूसरी पुलिस टीम का सामना एक और रहस्यमयी कहानी से हो रहा था। सर मैंने ही आपको बुलाया था। सर वो जिस लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश की थी उस लड़की को मैंने इसी घर पे छोड़ा था और इन्होंने ही मुझे बताया कि उस लड़की ने यहाँ पे भी सुसाइड करने की कोशिश की है। सर क्या बात है ऐसा जो लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश की? सर हम तो उस लड़की को जानते तक नहीं थे, वो अचानक से यहाँ आई और हंगामा मचा के चली गई। जी बोलिए। पहले की ये क्या कर रही है? अरे क्या मार दूंगी। हो सकता है वो लड़की आसपास के एरिया की हो, पहले कभी देखा था उसे? नहीं सर। सर मुझे उस लड़की की मानसिक हालत ठीक नहीं लग रही है सर और मुझे इस बात का डर है कि वो अपने आप को या किसी और को नुकसान ना पहुंचा दे। अगर उस लड़की की मानसिक हालत वाकई में ठीक नहीं है तो हम इस बात को लाइटली नहीं ले सकते। यहाँ आने वाले आसपास के रास्तों पर जहाँ जहाँ CCTV लगा है सबकी फुटेज चेक करो, वो कहीं ना कहीं तो कैप्चर हुई होगी। सब ले खा ले, मैंने तुझे तेरी उम्र से ज्यादा बड़ा बना दिया, अब तू चांदी की गुड़िया नहीं रही, अप्सरा है मेरी। कपड़े लाया हूं तेरे लिए, साड़ी पहननी तो आती ना तुझे? मैंने बोला था ना पहले खाना खा ले फिर मेहंदी लगा देना। मम्मी मेरी फ्रेंड की बहन की शादी है, खाना खाने बैठ जाती तो मेहंदी कैसे लगा पाती? पर मेहंदी से पेट तो नहीं भरता ना, चल खाना खा ले। आपने तो कहा था कि मीडिया में न्यूज चलेगी तो मानसी का पता जल्दी चल जाएगा, लेकिन इतने दिन हो गए किसी का फोन नहीं आया, पता नहीं मेरी मानसी किस हाल में होगी।
सर यही वो लड़की है सर, सर इसी ने सुसाइड करने की कोशिश की है सर। सर मानसी के पेरेंट्स उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मानसी की आदतें कुछ अच्छी नहीं थी। वो किसी भी शॉप में शॉपिंग के बहाने जाती थी और वहाँ से कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ उठा के अपने बैग में रख लेती थी। और सर उसने एक बार मुझे चोरी किया हुआ गोल्ड ब्रेसलेट भी गिफ्ट किया था, जिसकी वजह से मेरी बहुत इंसल्ट हुई थी। यही लड़की आई थी यहाँ पे? हाँ साहब, ये लड़की आई थी यहाँ पे। शायद उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रही थी। अंकल वो बिल्डिंग में कैसे जाते हैं? अरे सीधा जाके राइट, फिर पीछे रोड पे ही बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के बारे में पूछ रही थी। हाँ साहब, उसी तरफ गई थी। चलो सुमित, ये देखो। इस लड़की को देखा है कहीं? नहीं मैडम, नहीं देखा है। उस दुकान वाले ने जो बताया उसके हिसाब से लड़की यहीं कहीं होनी चाहिए। देखो अच्छे से देखो। सुमित सर, लड़की को एंगेज कर जी, बातों में लगा कर रखना, ठीक है? हाँ सर, ये सच है कि हमारी बेटी मानसी को शॉपलिफ्टिंग की आदत थी, इसी वजह से उस दिन मैंने उस पर गुस्सा किया। सर यकीन कीजिए सर, ये सब मैंने सिर्फ उसे पनिशमेंट देने के लिए किया था। मुझे नहीं पता था कि वो हमसे नाराज होकर घर छोड़कर चली जाएगी। तो फिर आपने हमसे झूठ क्यों बोला था कि वो उस दिन ट्यूशन गई थी? सर वो झूठ इसलिए बोला था कि मैं नहीं चाहता था कि आपको मेरी बेटी की चोरी की आदत के बारे में पता चले। वो घड़ी कहाँ है जिसको आप चोरी के समझ रहे थे? यहीं घर पे है सर, लाता हूँ सर। ए! देखो कूदना मत, प्लीज नीचे उतरो। नहीं दूर, मैं कूद जाऊंगी। पीछे मैं कूद जाऊंगी। नहीं, देखो हम पीछे हट गए, हम आगे नहीं आ रहे, पर प्लीज नीचे कूदना मत। तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। बताओ तुम्हें क्या हेल्प चाहिए? देखो वो तुम मुझे वहां मिली थी, याद है तुमको? चाय वाले से तुम्हारा एड्रेस पूछ रही थी, घर का पता, तुम्हें पता नहीं चला ना वो? हम चलते हैं, तुम्हारे घर का पता पूछेंगे। अच्छा तुमने अपना नाम नहीं बताया था, नाम क्या है तुम्हारा? तुम्हें जो चाहिए वो देंगे। अच्छा ये बताओ कि तुम सुसाइड क्यों करना चाहती हो? हम तुम्हें तुम्हारे घर तक ठीक है कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास, ठीक है? इस लड़की का फोटो लो और सर्कुलेट करो, मिसिंग कंप्लेंट भी चेक करो, शायद ये लड़की कहीं से मिसिंग हुई हो, और मेंटल असाइलम में भी चेक करो, शायद ये किसी असाइलम से भागे हो। ओके सर। तुम शांत हो जाओ, चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कौन तुम्हें कुछ नहीं, मुझे नहीं, तुम चलो मेरे साथ, डरो, चलो मैं देखती हूँ कौन। चलो मेरे साथ। आंटी मुझे नहीं जाना है, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं देखती हूँ तुम्हें कैसे हाथ लगा, चलो आ जाओ संभालो इसे। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अगर ये यहां से भाग जाती तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी मरती। जब ये लड़की तुम्हारे साथ अपना घर ढूंढ रही थी जी, तो इसने ऐसा कुछ बताया जिससे हमें ये पता चल सके कि इसका घर कहां पर है?
नहीं सर, इसने कुछ ज़्यादा मुझे नहीं बताया, लेकिन मैं वहाँ चाय वाले की दुकान के पास ही खड़ा था सर। इसने उससे सबसे पहले रेलवे ट्रैक के बारे में पूछा, फिर इसने तालाब के बारे में और फिर बिल्डिंग के बारे में। बिल्डिंग के बारे में तो इसलिए पूछा होगा क्योंकि ये बिल्डिंग से सुसाइड करना चाहती थी, लेकिन रेलवे ट्रैक और तालाब के बारे में क्यों पूछा होगा? अच्छा, कुछ और बता सकते हैं उसके बारे में? सर एक नंबर बड़बड़ा रही थी सर। कैसा नंबर? कोई तो था सर, एक दो नंबर से। नंबर, बिल्डिंग, रेलवे ट्रैक और तालाब, इन सब चीज़ों से इस लड़की का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। कुछ ऐसा जो इसके मन में चल रहा है लेकिन ये बता नहीं रही है। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? तुम खुश हो या दुखी हो? क्यों गुनगुना रही हो? ऐसे तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है। अच्छा, आज का डेट मालूम है क्या तुम्हें? आज 15/5 है, तो तुम बर्थडे सॉन्ग की हम कर सकती हो। 15/5 को मेरे पापा का बर्थडे। Happy birthday to you. इस घड़ी के शॉप ओनर से बात की हमने। ये घड़ी चोरी नहीं की गई थी, मानसी ने इसको परचेज किया था, और ये इसके बिल कॉपी। इसका मतलब मानसी सच बोल रही थी? पापा, मैंने सच में चोरी नहीं की, वो तो मैंने अपनी पॉकेट मनी सेव करके खरीदी है। अब पापा मैं ये बताइए, आपने वाकई में मानसी को घर से निकाल दिया या फिर? सर आप हम पे शक करके गलती कर रहे हैं, आप मानसी को ढूंढिए। देखिए, अगर आप लोग सच बोल रहे हैं तो हो सकता है मानसी वाकई में आपसे नाराज होकर कहीं चली गई, क्योंकि अगर उसके साथ कोई हादसा हुआ होता तो हमें अभी तक पता चल जाता, और अगर वो किडनैप हुई होती तो अभी तक आपके पास रैंसम कॉल भी आ जाता। लेकिन लेकिन क्या सर, मतलब अब आप लोग हमारी बेटी मानसी को नहीं ढूंढेंगे? ऐसी बात नहीं है, कोशिश जारी है, पर हम कह नहीं सकते कि आपका इंतजार कितना लंबा होगा। अरे वाह, तुझे तो गुनगुनाना भी आता है। मुझे मेरे पापा की बहुत याद आ रही है, आज उनका बर्थडे है और मैं उन्हें मिस भी नहीं कर पाई, बस एक बार मुझे उनसे बात करने दीजिए, फिर मैं आपकी हर बात मानूंगी, मैं आपकी अप्सरा भी बन जाऊंगी, वो साड़ी भी पहन लूंगी। चल ठीक है, तेरे पापा से तेरी बात करवा देता हूँ, लेकिन जब वो पूछेंगे कि तू कहाँ है तो तू बोलेगी कि मैं अपने राजकुमार के साथ, यानी कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई हूं और मैंने शादी भी कर ली है, इसलिए वो तुझे ढूंढना बंद कर दे, और वो मिसिंग वाला केस है ना, उसे भी वापस ले ले। देखो तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा तुमको। वो सर है ना, वो ये जानना चाहते हैं कि तुम उस दिन बिंडी के अलावा रेलवे ट्रैक और तालाब के बारे में पूछ रही थी, है ना? क्यों पूछ रही थी, क्या हुआ था? अच्छा, वो तुम उस दिन अपने मन में नंबर बड़बड़ा रही थी, क्या नंबर थे वो? वन टू टू हाँ फोर फोर आगे नहीं 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 डरो मत डरो मत, वन टू फोर इसके आगे भी कोई नंबर है? इसके बाद
रो मत, अगर तुम्हें कोई अगर याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, जब याद आ जाए तब बता देना, ठीक है? हेलो पापा। मानसी हेलो पापा, मुझे बचा लो पापा प्लीज। मानसी मानसी का फोन था। हाँ हाँ फोन कीजिए। मेरा खेल बिगाड़ेगी, आजादी चाहिए है? मानसी ने जिस टाइम पे अपने पेरेंट्स को कॉल किया पापा, उस टाइम पे वो नंबर छाया नगर के मोबाइल टॉवर से कनेक्टेड था। इसका मतलब साफ है, मानसी उस वक्त छाया नगर में ही थी। बच्चा ये नंबर एक फेक आईडी का नंबर है। हमें यही तो समझना होगा रिप्ति कि मानसी ने अपने पेरेंट्स को एक फेक आईडी से कॉल क्यों किया। हो सकता है मानसी को किडनैपर्स ने किडनैप करके रखा। पर सर ये कॉल रैंसम मांगने के लिए नहीं हुआ है। पर ये भी तो हो सकता है कि दोबारा कॉल करके रैंसम मांगी जाए। एक काम करो, मानसी के पेरेंट्स का हर एक नंबर सर्विलेंस पर डलवा दो, और ये छाया नगर मानसी के घर से ज्यादा दूर नहीं है। इसका मतलब छाया नगर के हर एक घर को हमें अच्छी तरह से खंगालना होगा। यस सर। ये बच्ची मानसी, इसको तो जानती होंगी आप। इसके पेरेंट्स ने बताया कि आपकी बेटी निधि भी इसी के साथ पढ़ती थी। जी सर, मानसी निधि की फ्रेंड थी, लेकिन निधि तो 2 साल पहले ही हॉस्टल में पढ़ने के लिए चली गई है, और अभी मैंने सुना है कि मानसी भी लापता है। पर आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? आपको तकलीफ देने के लिए माफ़ी चाहते हैं। सर मैं मोहन नगर पुलिस स्टेशन से कांस्टेबल विशाल साठे बोल रहा हूँ। सर 10 साल पहले हमारे पुलिस स्टेशन में श्वेता सिंह नाम की लड़की का एक मिसिंग केस फाइल हुआ था, जो अभी भी पेंडिंग है। और सर जो फोटो आपने हमें भेजी है वो फोटो श्वेता सिंह से मैच करती है। श्वेता सिंह? हाँ सर। विजय प्रताप सिंह जी? जी मैं ही विजय हूँ। और ये आपकी पत्नी है ज्योति सिंह? जी। आपने अपनी बेटी श्वेता की मिसिंग कंप्लेन लिखवाई थी? हाँ लिखवाई थी, पर श्वेता को गुम हुए 10 साल हो गए हैं, आप अभी क्यों पूछ रही हैं? आपकी श्वेता हमें मिल गई। क्या हमारी बेटी जिंदा है? जी वो हमारी कस्टडी में है, आपको हमारे साथ चलना होगा। श्वेता, श्वेता मेरे बच्चे कहाँ चले गए थे तुम? क्या हुआ? तुमने पहचाना नहीं? ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे
मम्मी पापा? नहीं, ये मेरे मम्मी पापा नहीं है। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ और ये तेरे पापा। नहीं, भगवान कहते थे कि मेरे मम्मी पापा बुरे, वो मुझे लेने कभी नहीं आए। भगवान ने तुमसे ऐसा कहा? ये भगवान नाम के किसी आदमी की बात कर रही हो ना तुम? कौन है ये आदमी? कौन है ये भगवान? सर, ये लड़की 10 साल पहले हूबहू श्वेता की तरह दिखती हुई, क्योंकि आज तो इसने अपने माँ बाप को पहचाना तक नहीं। अब तक हम ये मानकर चल रहे थे कि इस लड़की के घर के आसपास बिल्डिंग, तालाब और रेलवे ट्रैक होगा, लेकिन विजय और ज्योति के घर के आसपास बिल्डिंग तो है लेकिन रेलवे ट्रैक और तालाब नहीं है। पर अजीब बात यह है कि इस लड़की ने अब तक अपना नाम नहीं बताया था हमें, और अब अचानक किसी भगवान की बात कर रही है। सर, ये ऊपर वाले भगवान की बात कर रही है या भगवान नाम के किसी आदमी की बात कर रही है? हो सकता है ये लड़की किसी बाबा बाबा के चक्कर में पड़ गई और उसी ने इसको मानसिक बीमार बना दिया। मे बी ये लड़की किसी आश्रम से भागी हो। शाश्वता, अपने खबरों को एक्टिव करो, पता करो कि कोई आश्रम ऐसी जगह पर है क्या जहाँ पर ये तीनों चीज़ें हैं, बिल्डिंग, रेलवे ट्रैक और तालाब। हो सकता है उस आश्रम में किसी ने देखा हो इसको। सर, ठीक है, मैं कर लूँ। ओके। नहीं, जब तक आप मेरे पैर नहीं खोलेंगे तब तक मैं नहीं खाऊंगी। एक मिनट होल्ड करना। ये सब काम ना मुझे मत कहा करो। हाँ, बेटा, मैं आई हेल्प यू? नहीं, थैंक यू अंकल। अरे रुको रुको, मैं मदद कर देता हूँ। मैं स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। यहाँ थोड़ी दूर आ गई मैकेनिक की शॉप है, आओ मैं तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर देता हूँ, तुम मैकेनिक को लेके अपने साथ आ जाना। अरे रात बहुत हो गई है, थोड़ी देर में मैकेनिक की शॉप भी बंद हो जाएगी। चलो आओ बैठो मेरे साथ। जा! भागना मत। मानसी, देख, तेरा अकेलापन दूर करने के लिए दोस्त लेकर आया हूं मैं। सर, वो भले ही हमें नहीं पहचान रही पर हमारा दिल जानता है कि यही हमारी बेटी है। इस वक्त इस लड़की की मानसिक हालत ठीक नहीं है, हो सकता है इसकी याददाश्त चली गई। अच्छा, जब आप लोगों की बेटी मिसिंग हुई थी तब उसकी हालत भी ऐसी थी? नहीं सर, बिल्कुल है। मेरी बेटी बहुत ब्राइट थी, अपने स्कूल की टॉपर थी सर। ये लड़की इस वक्त आप लोगों को पहचान नहीं रही। आप एक काम कीजिए, जब आपकी बेटी मिसिंग हुई थी उससे पहले की कोई बात इसको याद दिलाइए जिसके बचपन से ताल्लुक रखती हो, शायद ये रिएक्ट करे। गुड डे। आपको मेरा नाम कैसे पता? हाँ बेटा, क्योंकि घर का नाम गुडन था और स्कूल का नाम श्वेता। तो क्या आप ही मेरे मम्मी पापा हो? हाँ बेटा, हाँ, मैं तुम्हारे मम्मी पापा। श्वेता, तुमने हमें एक नंबर के बारे में बताया था, 1 2 4, इसके आगे भी है कोई नंबर?
1 2 5 4. अच्छा ये किस चीज का नंबर है 1 2 5 4? घर हाउस। ये हाउस कहाँ पर है, किस जगह पर है ये हाउस? समता। अच्छा ये जो समता है, इस समता के आसपास बिल्डिंग है, कोई तालाब है? बिल्डिंग, तालाब और रेल की पटरी। श्वेता तुम तीनों चीजों के बारे में क्यों पूछ रही थी? रेल की पटरी, भगवान मार देगा। कौन है ये भगवान? कौन भगवान, किसकी बात कर रही है? भगवान मार देगा, भगवान। सर ये समता नगर नाम के तो कई सारे एरियाज हैं, और वैसे ही समतापुरी, समता इनक्लेव भी। एक समता नगर लिंक रोड पर भी है, वहां पर तालाब भी है, और वहां से कुछ दूरी पर रेलवे ट्रैक भी है। समता नगर से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर दुर्गा नगर है, दुर्गा नगर जहां पर निकल को श्वेता दिखी थी। अरे भाई देख के। सर तो हो सकता है ये समता नगर में किसी ऐसे घर में जाना चाहती हो जिसका नंबर 1254 हो। ये भी हो सकता है कि श्वेता वहां से भाग कर आई हो। हो सकता है कि 10 साल तक श्वेता को वहां पर अबडक्ट करके रखा गया। चेक करो। सर जी, सर समता नगर के हाउस नंबर 1254 पे एक मानसी नाम की लड़की का पता चला। सर ये लड़की भी पिछले 6 साल से गायब है। What? इस लड़की का नाम मानसी है, ये हाउस नंबर 1254 में रहती थी, जानती है उसको? मानसी। तो तुम्हारे साथ वह मानसी भी रहती थी? कहाँ कहाँ पर है ये जगह? भगवान। प्रेमिका बनना है, मां नहीं। चलो खा लो। तुम्हारे और मानसी के अलावा एक और लड़की थी वहां, टीना। अच्छा तुम भागी कैसे वहां से? पुष्कर, जोर से पुष्कर। पॉम्पी आंटी दोनों अंदर है, तुम भाग जा दीदी। भगवान मारेगा, कुछ नहीं होगा, वो दोनों अंदर है, उनका ध्यान नहीं जाएगा। तुम भाग जाओ। मैंने तुम्हें अपने घर का पता बताया था, तुम्हें याद है? बोलो। 1 2 5 4 1 5 4 हाउस नंबर और बिल्डिंग, तालाब, रेल की पटरी। हाँ दीदी, तुम किसी से रास्ता पूछ लेना, ठीक है? और मेरे पापा को लेके आना, तो टीना और मुझे बचा लेंगे। जाओ, कुछ नहीं होगा, जाओ जाओ दीदी। जिससे इस बच्चे को कहीं ठिकाने लगा लेते हैं। तुमने ठीक से दरवाजा तो बंद कर लिया है? हाँ, इतने साल कैद में रहने के बाद उन लड़कियों की हिम्मत वैसे भी टूट के बिखर चुकी है। चलो। छह साल पहले मानसी मिसिंग केस में मानसी ने एक फेक आईडी से लिए गए नंबर से अपने फादर को कॉल किया। पापा। और जिस नंबर से कॉल किया उस वक्त उस कॉल की लोकेशन थी छाया नगर, जो दुर्गा नगर से 5 किलोमीटर दूर है।
दुर्गा नगर, जहां पर निखिल को श्वेता दिखी थी। अरे भाई देख के। सर तो हो सकता है कि छाया नगर में वो जगह हो जहां लड़कियों को कैप्टिव रखा गया। एक काम करते हैं, श्वेता को छाया नगर लेकर चलते हैं, हो सकता है छाया नगर पहुंचने के बाद वो उस जगह को आइडेंटिफाई कर ले। राइट सर। मूव। श्वेता कौन सा घर है? याद करने की कोशिश करो। पूछा था? एक्सक्यूज मी सर, सर मैंने इस लड़की को कुछ दिन पहले ही पास के घर से भागते हुए देखा था। कौन से घर से? सर ये है घर। क्या हुआ, क्या हुआ श्वेता? कुछ नहीं होगा श्वेता, कुछ नहीं होगा, हम हैं ना, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। चलो आओ आओ। देखो रिया संभालो इसे। यहां तो कोई भी नहीं है। I'm sure. श्वेता के यहां से भागने के बाद वो बाकी की लड़कियों को कहीं और लेकर चले गए। सर मुझे तो पहले से ही अजीब लग रहा था, सिर्फ कहने को राजीव और उसकी बीवी सुमित्रा यहां रहते थे, लेकिन वो लोग इतना राशन खरीद के लाते थे ना, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कुछ आइडिया है वो यहां से और कहां जा सकते हैं? सर राजीव को मैंने कई बार सैमापुर में देखा है, उसका दूसरा घर शायद वहीं है। तीसरी लड़की कहाँ है? मार के खा लिया मैंने। सर जिंदा है। प्रिया एम्बुलेंस बुलवा। सर कहीं सच में उसने तीसरी लड़की को मार तो नहीं दिया? जब हम राजीव के पहले घर पे गए थे तो वहां सिर्फ एक लिविंग रूम था, लेकिन हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो लड़कियों को कैप्टिव करके कहां रखता होगा। तूने तीन तीन बच्चों की जिंदगी नरक बना दी, उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित किया, श्वेता के साथ साथ तूने मानसी और टीना को भी बना दिया।
मैंने किसी को नहीं बनाया है। श्वेता 10 साल पहले खुद ही भागने के चक्कर में अपना सर फुड़वा बैठी थी, जिस उम्र में थी वहीं रुक गई, इसलिए उसे कभी बांधा भी नहीं, सोचा नहीं था कि वो भागने की कोशिश करेगी। लेकिन मानसी ने लड़कियों को कैद बना के क्यों रखता था? तो सेक्स रैकेट चलाता था? नहीं मैडम, हम लोग कोई सेक्स रैकेट नहीं चलाते थे। तो तुम लोगों ने उन तीनों लड़कियों को कैद करके क्यों रखा था? मोटिव क्या था तुम्हारा? ये राजीव की अंधश्रद्धा थी, उसे अपने आप को भगवान कहलाना अच्छा लगता था। और काम शैतानों के करता था। वो शैतान ही था, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी थी। वो बिस्तर पे मेरे साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक करता था। वो मुझे मार मार कर नोचता था। मैं उसकी तृष्णा से डरती थी, इसलिए मैंने उसे कह दिया कि वो मेरी 10 सौतने ले आए पर मुझे अपने वैश्यपने से छुटकारा दे दे। और फिर वो उन बच्चियों को उठा लाए। कैसी औरत है तू? तुझे अपनी रक्षा के लिए राजीव को कानून के हवाले करना चाहिए था, उल्टा तू उसके अपराधों में साथी बन गई। इतने सालों की यातनाएं सहने के बाद आखिरकार मानसी और श्वेता को अपना परिवार मिल गया। लेकिन टीना इतनी खुशकिस्मत नहीं थी, उसको अडॉप्ट करने वाले माता पिता उसके किडनैप होने के कुछ ही दिन पहले गुजर गए थे। टीना की देखभाल की जिम्मेदारी एक एनजीओ ने उठाई है। एक जागरूक नागरिक के विवेक ने न सिर्फ सालों से चले आ रहे घिनौने अपराध का पर्दाफाश किया, बल्कि 3 परिवारों के हमेशा के लिए खो चुके उनके सपने को भी पूरा किया। पर जहां समाज में एक तरफ निखिल जैसे लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा और राजीव जैसे लोग भी हैं, जो इंसान की खाल में छुपे भेड़िए की तरह से हैं, जो अपनी हवस और अपनी सनक की आग में मासूम लोगों को झुलसा देने तक से नहीं हिचकते। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।